प्रताप नारायण निषाद। अच्छा अच्छा निषाद। ये आपका मकान है? तो अच्छा आप पूर्व प्रधान हैं आके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस गांव में कितने मंजरे लगते हैं? और भी गांव लगते हैं? मोजा अनूठा के नाम से है, मंजरा तो 5 लगा। अच्छा अच्छा। तो ये पहले यहाँ पर सड़क वगैरह नहीं थी? सड़क नहीं, तब बदमाशों का भी बहुत ज्यादा रहा होगा, निर्भय गुजर वगैरह। निर्भय, रज्जा, सलीम, अरविंद, फूला लेवी, मलखान, विक्रम। तो आपने तो इन सबको बड़े नजदीक से देखा होगा? पहले देखो है। अच्छा, आप यहाँ जब मौजूद व्यक्ति हैं तो आपने तो बड़ा नज़दीक से लोग देखे होंगे। हाँ नहीं भाई, तुम्हारे गांव में आना जाना उनका रहा होगा। हाँ। तो गांव वालों को परेशान करते थे वो? परेशान भी करते, पुलिस भी करते। आप लोगों को दोनों तरफ से परेशानी थी? हाँ, वो कहते थे कि ये मुखबर है। हाँ। और पुलिस कहते थे कि ये बदमाशों को पालते हैं। हाँ। सही बात है, दोनों तरफ से दिक्कत थी। तो चलिए फिर, कोई हानि वगैरह नहीं होती उनसे, कोई हानि वगैरह? एक भी गाय नहीं है। कहाँ चली गई? सब जंगल में, सब जंगल में ढेली है, लेकिन प्रधान उसका पैसा खा रहे हैं। ये पुलिया बहुत खतरनाक थी वास्तव में, यहाँ तो गाड़ी कैसे भी नहीं निकलती। देखो ये यहाँ पे गाड़ी निकल नहीं सकती थी, बाइक से आना पड़ा। आगे गांव भजनपुरा है। तो प्रधान जी का बहुत सहयोग रहा जो कम से कम हमें बाइक से वहाँ पहुँचवा रहे हैं। देखो जब पुलिया पिछली साल की टूटी भाई है, सरकार ने सुनिया ही नहीं। अब तक पिछली साल भी टूट गई थी, पिछली साल टूट गई। हम लोग ऐसी मिट्टी डाल गए निकला रहा है, इन साल ज्यादा टूट गई। अब हम लोग निकल नहीं पाऊ गाड़ी घोड़ा ही। हमें पिछली साल की टूटी है, पिछली साल बाढ़ आई थी इतनी जितनी अभी तक नहीं बनी ऐसी है। अभी तक ऐसी है और इन साल तो और चली गई गड्ढा। अब गाड़ी वाली ट्रैक्टर कैसे निकलते? निकलता ही नहीं ट्रैक्टर वैक्टर। अब हम लोग यहाँ ये ऊपर ऊपर की जमीन है, ये केवल बची हुई है, बाकी सब पानी में डूब गई थी। हमारा कम से कम 8-10 बीघा बाजरा चला गया बस आपका। हाँ। 8-10 बीघा यहाँ जो हम लोग खड़े हैं, कितना पानी भरा होगा लगभग यहाँ पे? ये जो रोड है ना। हाँ। तो पानी आ गया था। अच्छा अच्छा, देख सामने। ये मकान जो है बाढ़ में ही गिरे हुए हैं ना? बाढ़ में सारे यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं, मतलब कि सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। तो भी सरकारी कर्मचारी नहीं आता। देखिए ये बरगद का वृक्ष, यहाँ तक पानी भरा हुआ था। यहाँ कितने फुट पानी था लगभग? सब कुछ सामान भी नहीं था घर में। यहाँ कितने फुट था? आपकी कमर के ऊपर। अच्छा, कमर के ऊपर तक पानी था। बिल्कुल सामान भी है ना, कुआं दिखाई दे रहा है, मोटरसाइकिल लगा रहा है, यही पानी नहीं खड़ी रही, उठा भी नहीं पाया सामान। वो कुआं साहब बिल्कुल ऊपर तक, जैसे एक ऊपर किनारी है नहीं। हाँ। बिल्कुल बंद, ये उधर आंगन तक भीतर छपर गया। अच्छा, कुआ वो लेवल में आ गया था। हाँ। गिर नहीं पाया उसमें, बस नहीं पानी गिर गया। अच्छा, पानी गिर गया था, पिछली बार गिर गया था, इस बार गिर गया, लेकिन इस बार भी पानी काफी था इनका, तो सामान वामान भी अंदर बड़ा रह गया था, अंदर इधर सब उधर अंदर उसमें भरी थी। जो नाली दिखाई दे रही है इसमें भरी थी। जी आपके जो घर, अच्छा ये सब जो है। हाँ। तो ये सिंध का पानी आया था या चंबल का? सिंध आई जोर से, चंबल आ गई तो रुकावट हुई सर। ये तीन नदियां उधर, दो ही इधर। कौन कौन सी नदी है? सिंध, पहुज, कुमारी, जैसे कावेरी बोलते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उधर से चंबल, जमुना, तो चंबल उधर से चंबल आ गई, इधर से सिंध आ गई, तो यहाँ पानी एकदम से भर गया आगे। नदी यहाँ से कितनी दूर है? ये रही नदी साहब, वो दिखाई दे रही, वो फूल रोजा फूल रहा ना उसके नीचे। अच्छा, वहाँ कौन सी? ये कुवारी नदी है, ये सिंध, पहुज, कुवारी, तीनों है, तीनों है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ये वहाँ पीछे जॉइंट इधर है, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर डेढ़,
अच्छा तो यहाँ जो तीनों नदियों का पानी आता है, थोड़ा थोड़ा पानी जब बढ़ रहा था जलस्तर तब इनके घर के तो यहाँ से नदी शायद बहुत दिख रही थी, दिख रही है, देख देख देख। चलो आगे देखते हैं, रास्तों का ये वीडियो है, आगे देखते हैं। चलो ये नदी यहाँ से लगभग कितनी दूरी होगी जी? 500 मीटर होगी सर, वही नाले में उधर जे तो शायद की दिखाई दे रही है, 500-600 आए बस, 500 मीटर। अच्छा वो खाली खाली स्थान दिख रहा है। हाँ जी, नीचे जो खाली है ये तो खा रहे देखिए सर, वो सामने किनारे पे है सर, वो उधर पेड़, वो सफेद पेड़ दिखाई दे रहा है। अच्छा, वो तो उस तरफ है, वही वही उधर है, उधर है वही नदी है, वही नदी है नीचे, उसके नीचे नदी है। हाँ, नीचे नदी। हाँ, तो वही 500 मीटर है। हाँ, 500-600। ये गांव कौन सा? वो उस तरफ है साहब, ये कंजौसा है, जालौन में, ये डिस्ट्रिक्ट जालौन में, हम लोग इटावा में, ये इटावा जिला का ये लास्ट गांव है, इसीलिए हमको। अच्छा, इटावा जिला का अंतिम गांव है, नहीं बिल्कुल सुनवाई होगी, इस घर में पानी, इस घर में पानी भर गया था बिल्कुल, पिछली बार ध्वस्त था, अभी इस साल था इस कमरे में। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें पानी साफ भर गया था इस साल, देख लो। ये घर जो है ये सब बाढ़ में टूटे हुए हैं, पहले से छोड़ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, टूटे बाढ़ ही में है। हाँ, ये पहले से छोड़ गए राठौरों के, राठौरों के मकान है, बाढ़ में ही टूटे गए। हाँ। अच्छा, अंदर बिल्कुल उनका खत्म ही हो गया, बिल्कुल जो कुछ भी है ये इतना बार बार रह गया अंदर, जो अंदर मकान पूरा खत्म ही है, जितना भी था मकान पूरा खत्म, केवल बार बार का रह गया, छप्पर रख के रह रहा है अंदर। ये कौन सा भजनपुरा गांव है ना? हाँ सर जी, भजनपुरा। पुल के ऊपर तक पानी लग गया था यहाँ तो। हाँ, वैसे पुल के ऊपर तक लगो तो ग्रिल में, थोड़ा ही बहुत अंतर होगा, हल्का फुल्का हाथ खाड़ चार छह अंगूर बीती बार होगा, वहाँ तो घिर जाते, फिर वहाँ देखने नहीं पहुँचते वैसे। हाँ, पिछली बारी तो बिल्कुल ऐसे हाथ से बच लेता है ऐसे। ये सब फसल बर्बाद हो गई, सब सूख गई फसल, ये बैंगन की फसल थी जी, जी पूरी सूख गई। ये तो कुछ नहीं, यहाँ से तो ये पास में ही लग रही नदी। हाँ, यहाँ से वो पास में वो दिख रही है, वो नाला से दिख रहा वही है, वही नदी है। तीन नदियों का पानी आता है यहाँ पर, ये सबसे बड़ी। अभी भी यहाँ कीचड़ भरा हुआ है, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। यह है ग्राम पंचायत अनेठा का सामुदायिक शौचालय, जिसमें हमेशा ताला पड़ा रहता है, बस जानवर घूमते हैं, कोई सुविधाएं लोगों के लिए नहीं है, पैसा सब खा लिया गया है, केवल बिल्डिंग खड़ी हुई है। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।